आपके पास एंट्री लेवल फ़ोन का बजट है 15 से 20 हज़ार, अच्छी परफॉर्मेंस आपको चाहिए, अच्छी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए और स्पेशली पबजी की परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 15 से 20 हज़ार की रेंज के वो तीन फ़ोन जो कि करंटली मार्केट में अवेलेबल हैं, और इन तीन फ़ोन्स में से अगर आप कन्फ्यूज़ हैं कि कौन सा फ़ोन परचेज़ करना चाहिए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको इन तीन एस्पेक्ट से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव, दिस इज़ साद अहमद, और इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा कंपेरिजन बिटवीन थ्री ऑफ द एंट्री लेवल फ़ोन, जिसके अंदर टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन, टेक्नो स्पार्क 6 रेगुलर एडिशन और सैमसंग गैलेक्सी A02। तीनों फ़ोन्स तकरीबन 15 से 20 हज़ार के बजट के अंदर आपको मिल जाएंगे मार्केट में। टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन जो हमारे पास वेरिएंट अवेलेबल है, इस वेरिएंट की प्राइस है 16,000 रुपीज़, यानी कि 15,999 3GB और 64GB के साथ। टेक्नो स्पार्क 6 जो कि रेगुलर एडिशन है, ये आपको मिल जाएगा अराउंड 19,600 रुपये में 4GB और 64GB वेरिएंट के साथ, जबकि ऑन दी अदर हैंड सैमसंग A02 आपको मिल जाएगा अराउंड 19,800 रुपये में, और ये वेरिएंट है 3GB और 64GB की मेमोरी के साथ। सो प्राइसेस के एस्पेक्ट से ऑब्वियसली सैमसंग A02 कंपैरेटिवली इन दोनों फ़ोन से तकरीबन थोड़ा सा महंगा ही है। ऑब्वियसली स्पार्क 6 गो एडिशन से तो तकरीबन 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क है ही है, स्पार्क 6 रेगुलर एडिशन से भी तकरीबन 200 रुपये का फ़र्क है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन देखना ये है कि परफॉर्मेंस में भी क्या कोई वाजह फ़र्क आता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीनों के अंदर मेजर हार्डवेयर डिफरेंसेस के बारे में भी बताऊंगा, एंड देन हम करेंगे इन तीनों फ़ोन्स का साइड बाई साइड स्पीड टेस्ट, बूट टेस्ट, और इसके बाद स्पेशली गेमिंग का टेस्ट करेंगे। और इस वीडियो के एंड वाले सेक्शन में मैं आपको तीनों फ़ोन से सेपरेट ली गई साइड बाई साइड कैमरा सैम्पल्स कुछ दिखाऊंगा, जिनके थ्रू आपको कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों फोन्स में कैमरा किस फोन का ज़्यादा बेटर है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। सो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि लेफ्ट साइड पर अगेन मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 6 गो, मिडल में है मेरे पास टेक्नो स्पार्क 6, और ऑन द राइट साइड मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A02। तो थ्रू आउट द वीडियो याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड पर ऑल द टाइम हमारे पास गो वेरियंट होगा, और फ्रॉम लोएस्ट प्राइस रेंज टू द अपर प्राइस रेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, यानी कि टेक्नो स्पार्क 6 गो, टेक्नो स्पार्क 6 and then Samsung Galaxy A02. So first of all मैं आपको डिज़ाइन में कंपेरिजन थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन में साइजेज में थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, जैसे कि मैंने आपको डिस्प्ले के बारे में पहले भी बताया है कि डिस्प्ले में दो डिवाइसेस का डिस्प्ले बिल्कुल बराबर है, यानी कि Spark 6 का और Galaxy A02 का डिस्प्ले 6.5 इंचेस का अराउंड आपको मिलता है, दोनों HD स्क्रीन के साथ, HD रेजोल्यूशन के साथ आपको मिलते हैं। जबकि यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 6 का रेगुलर वर्जन है, इसकी स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, यानी कि यह है 6.8 इंचेस। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर स्क्रीन साइजेस में मुझे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ़र्क फील नहीं हो रहा, और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ा मेजर फ़र्क नहीं है स्क्रीन का। सो यस, वन मेजर थिंग जो कि आपने अभी नोटिस कर ही ली होगी प्रॉबली, कि यहाँ पर आपको दोनों टेक्नो के फ़ोन्स के अंदर बैक साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर्स भी मिल रहे हैं, वाइल ऑन द सैमसंग आपको कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एडिशनल डिज़ाइन में एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही है, जो कि आई थिंक एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू एक्सेसिबिलिटी मिलेगी इन टेक्नो के दोनों फ़ोन्स के अंदर, वाइल सैमसंग के अंदर ये फीचर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन के अंदर आपको बैक साइड पर मिल रहे हैं दो कैमराज, जिनमें से मेन कैमरा 13 MP का है और सेकेंडरी कैमरा सेंसर है, वाइल यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 जो रेगुलर एडिशन है उसकी बैक पर आपको मिल रहे हैं 4 कैमराज, जिनमें से मेन कैमरा आपको 16 MP का मिलता है। उसके अलावा 22 MP के दो और सेंसर्स हैं और एक QVGA कैमरा है। सो इन 22 MP वाले सेंसर्स में से एक सेंसर आपको मिल रहा है मैक्रो सेंसर और एक सेंसर है डेप्थ सेंसर। लेकिन कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंसेस हम जब कैमरा कंपैरिजन साइड बाय साइड करेंगे उसमें आपको सही से पता लगेगा कि कैमरा में क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ़र्क है। जबकि यहाँ पर सैमसंग में आपको मिल रहे हैं दो कैमराज, जिनमें से मेन कैमरा अगेन 13 MP का है, उसके अलावा 2 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। और बाकी यहाँ पर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं तीनों की बैक साइड तीनों की बैक्स डिफरेंट लुक दे रही हैं। यहाँ पर दोनों टेक्नो के फ़ोन दोनों स्पार्क 6 के अंदर आपको बैक पे तकरीबन सेम बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, लुक्स ऑल्दो डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों की बैक साइड शाइनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ आती हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर सैमसंग, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे यहाँ पर सैमसंग की जो बैक है इस पर, यहाँ पर आपको है तो ऑल्दो ये भी प्लास्टिक, लेकिन
आपको वो शाइनी सरफेस नहीं मिलता जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट के निशान उस तरह से नहीं पड़ते। तो पर्सनली मुझे ये वाला डिजाइन थोड़ा सा बेहतर फील होता है, लेकिन डिपेंड्स आप में से मैं भी कुछ लोगों को ये वाली बैग ज्यादा पसंद आए। सो यहाँ पर अब मैंने तीनों फोन्स के डिस्प्ले को मैक्सड आउट कर लिया 100% ब्राइटनेस पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस फोन का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील हो रहा है आपको। वेल, यहाँ पर मैं अगर इसके व्यूइंग एंगल से बात करूँ तो व्यूइंग एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत क्लियरली टेक्नो स्पार्क 6 का जो व्यूइंग एंगल है वो तकरीबन हर एंगल से डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपको अच्छी फील हो रही है। वाइल यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 गो की और सैमसंग A02 की फ्रंट साइड से तो डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट या राइट से या थोड़े डिफरेंट व्यूइंग एंगल से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्प्ले डल शो होगा। सो प्राइसेस की अगर स्टोरेज एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 जो गो एडिशन है उसकी प्राइस है यहाँ पर 15,999 और ये वाला वेरिएंट है 3GB और 64GB मेमोरी के साथ। टेक्नो स्पार्क 6 जो कि रेगुलर वेरिएंट है यहाँ पर हमारे पास, इस वाले वेरिएंट की प्राइस है 19,599 और ये वाला वेरिएंट है 64GB ऑफ रोम और 4GB ऑफ रैम के साथ। वाइल सैमसंग गैलेक्सी A02 की प्राइस हमारे पास जो वेरिएंट है इसकी प्राइस है 19,800 यानी कि 19,800 और ये वाला वेरिएंट है 3GB और 64GB की मेमोरी के साथ। सो यहाँ पर स्टोरेज एस्पेक्ट में सैमसंग गैलेक्सी A02 और टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन की मेमोरीज हमें सेम मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन प्राइसेस का फर्क ज़रूर है क्योंकि आपको स्पार्क 6 गो एडिशन की प्राइस 16,000 है जबकि A02 की प्राइस यहाँ पर आपको मिल रही है 19,800। लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 रेगुलर वेरियंट के अंदर आपको रोम तो सेम मिल रही है 64GB की, लेकिन यहाँ पर रैम आपको ज़्यादा मिल रही है यानी कि 4GB की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों फोन्स के हार्डवेयर एस्पेक्ट की। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन के अंदर आपको हीलियो A20 का चिपसेट मिल रहा है, जबकि ऑन द अदर हैंड आपको टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर मिल रहा है हीलियो G70 का चिपसेट जो कि एक गेमिंग चिपसेट भी है जिसके अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि परफॉर्मेंस एंड गेमिंग दोनों बेहतर होंगी। वाइल इन सैमसंग गैलेक्सी A02 इसके अंदर आपको मीडियाटेक का चिपसेट मिल रहा है 6739W का जो कि अगेन एक एंट्री लेवल चिपसेट है। यहाँ पर भी आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल रहा है जबकि A02 के अंदर आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिल रहा है। तो यहाँ पर प्राइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टेक्नो स्पार्क 6 और स्पार्क 6 गो एडिशन में दोनों में कम प्राइसेस होने के बावजूद आपको चिपसेट्स भी कंपैरेटिवली बेहतर मिल रहे हैं और प्रोसेसर भी आपको ऑक्टा कोर्स मिल रहे हैं, जबकि अगर सैमसंग गैलेक्सी A02 की बात करें तो आपको चिपसेट भी एंट्री लेवल मिल रहा है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी नहीं मिल रहा। तो अगेन यहाँ पर दोनों टेक्नो फोन्स की एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर आपको चिपसेट बेहतर मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि परफॉर्मेंस भी बेहतर ही होगी। ओके, सो सबसे पहले कर लेते हैं इन तीनों फोन्स का बूट टेस्ट जिसके अंदर हमें स्पीड का बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। सो तीनों फोन्स को हम एक साथ रिबूट करेंगे और देखते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा जल्दी बूट होता है। 2-1 सो गाइज, एज यू कैन सी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्वियसली चिपसेट अच्छा होने की वजह से यहाँ पर परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 कंपैरेटिवली काफ़ी पहले बूट हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 बूट हुआ है एंड सेकेंड नंबर पर यहाँ पर हमें टेक्नो स्पार्क 6 गो वेरियंट बूट हो चुका है। वाइल अगर सैमसंग की बात की जाए तो सैमसंग स्टिल यू कैन सी के बूट हो रहा है अभी। सो यहाँ पर फाइनली सैमसंग A02 भी बूट हो चुका है। तो यहाँ पर स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से बूटिंग में तो वाजे फ़र्क आप फील कर सकते हैं, और बाकी अभी हम कुछ एप्लीकेशंस को भी साइड बाय साइड रन करके देखते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशंस का रिस्पांस टाइम तीनों फोन्स में कैसा है। तो तीनों फोन्स के अंदर एक साथ गूगल मैप्स को रन करके देखते हैं। 3-2-1 सो यहाँ पर तो मुझे स्पीड तकरीबन बराबर ही लगी है गूगल मैप के ऑन होने की। गूगल मैप को बैकग्राउंड में रन होने देते हैं, उसके साथ हम दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा गूगल क्रोम ऑन द काउंट ऑफ 3-2-1 थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पर स्पार्क 6 ने पहले ही बूट कर लिया था, लेकिन इसको अगेन कंटिन्यू करके देखते हैं। 3-2-1 यहाँ पर तकरीबन बराबर ही लगी है मुझे तीनों का रिस्पांस टाइम। सो अब यहाँ पर तीनों फोन्स के अंदर YouTube को ओपन करके देखते हैं। 3-2-1 अगेन आई थिंक थोड़ा सा बिल्कुल मिली सेकेंड्स का फर्क है, लेकिन यहाँ पर अगेन टेक्नो स्पार्क 6 ने थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। तीनों फोन की डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पर। 3-2-1 अगेन यहाँ पर आई थिंक टेक्नो स्पार्क 6 जो रेगुलर वर्जन है थोड़ा सा हर एप्लीकेशन में बिल्कुल मिली सेकेंड का फ़र्क है, लेकिन टेक्नो स्पार्क 6 थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म ज़रूर कर रहा है।
ओके गाइस, तो यहाँ पर आई थिंक स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंक्लूजन पे इतना ही कह सकता हूँ कि बूटिंग के दौरान तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 ने ऑब्वियसली वाजे फर्क था. यू गाइस हैव सीन के यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 जल्दी बूट हो गया था कंपैरेटिवली इन दोनों फोन्स के. लेकिन जहाँ तक बात रही एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्स टाइम की, तो तकरीबन बिल्कुल मिली सेकेंड्स का फर्क था. टेक्नो स्पार्क 6 अगेन यहाँ पर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाकी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स टाइम मुझे कोई बहुत ज़्यादा फर्क फील नहीं हुआ तीनों फोन्स में. लेकिन अब मेजर फर्क गेमिंग के दौरान पता लगेगा कौन से फ़ोन के अंदर पबजी स्पेशली बेहतर रन करती है और किन ग्राफिक्स पर तीनों फोन्स के अंदर पबजी मैक्स किन ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है. सो यहाँ पर टेक्नो के फ़ोन्स के अंदर आपने देखा कि एक और अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनके अंदर डेडिकेटेड गेम मोड भी इंस्टॉल्ड होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड, जिसकी वजह से आपके बैकएंड पे जितने प्रोसेसेस हैं उनको स्लो डाउन कर देते हैं ताकि आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस गेम यूटिलाइज करें और आपकी गेम में मिनिमम लैग हो. होम स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोन्स, टेक्नो के दोनों फ़ोन्स ने ज़्यादा जल्दी बूट कर लिया, तो प्रॉबली गेमिंग भी ज़्यादा बेहतर इन्हीं फ़ोन्स के अंदर होनी चाहिए. सो एज़ एक्सपेक्टेड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्नो स्पार्क 6 दोनों फ़ोन्स के अंदर मेन स्क्रीन लोड हो चुकी है, गेम सेटअप भी हो चुकी है और कैरेक्टर जोन से मेन होम स्क्रीन पर आ चुका है, जबकि सैमसंग के अंदर स्टिल इट्स ऑन लोडिंग स्क्रीन. अब जाके यहाँ पर सैमसंग ने भी फाइनली लोड कर लिया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्नो स्पार्क 6 ने फाइनली गेम को भी सबसे पहले बूट किया और यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन में सेकेंड नंबर पर बूट हुई गेम और यहाँ पर सैमसंग में थर्ड नंबर पर बूट हुई है गेम. तो यहाँ पर ही फ़र्क आप इनिशियल लॉबी में ही फ़र्क देख सकते हैं कि मैच मेकिंग के दौरान प्री लॉबी के मैच के अंदर बहुत हद तक स्मूथ परफॉर्मेंस है पार्क 6 के अंदर. पार्क 6 गो एडिशन के अंदर कंपैरेटिवली थोड़ा सा लैग फील हो रहा है इनिशियल लैग, जबकि सैमसंग के अंदर यहाँ पर काफ़ी मुझे लैग ही फील हो रहा है और आई थिंक इसमें यहाँ पर आगे भी गेम प्ले के दौरान भी लैग फील होगा. तो यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 6 की परफॉर्मेंस से तो मैं अभी से ही काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन स्टिल आगे देखते हैं. ग्राफिक सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, टेक्नो स्पार्क 6 की ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पर हुई हुई हैं HD पर हाई फ्रेम रेट सेटिंग्स के साथ. HDR पर ये अलबत्ता यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर रहा फिलहाल, तो HD पर सपोर्ट करता है और HD पर भी ग्राफिक स्मूथ हैं काफ़ी हद तक. और यहाँ पर आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं कि जो नीचे डिस्टेंस है सब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, वो भी आपको काफ़ी दूर से ही नज़र आने लग गया है, जो कि निशानी होती है गेन अच्छे ग्राफिक्स की. तो यहाँ पर मैं इसको कैरेक्टर को लैंडिंग पर लगाता हूँ और यहाँ पर दूसरे फ़ोन के अंदर देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है. सो ये है टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन और यहाँ पर भी कंपैरेटिवली मतलब प्लेएबल एक्सपीरियंस तो है, सच बहुत ज़्यादा लैग फील नहीं हो रहा. ग्राफिक सेटिंग्स मैं आपको इसकी भी दिखा देता हूँ. ग्राफिक सेटिंग्स अलबत्ता टेक्नो स्पार्क 6 गो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आई है स्मूथ पर, इसको भी मैंने बैलेंस पर शिफ्ट किया है, HD पर ये शिफ्ट नहीं हो रहा, लेकिन बैलेंस पर ये मीडियम फ्रेम रेट के साथ सपोर्ट कर रहा है. तो यहाँ पर लैग एज सच कोई बहुत ज़्यादा लैग तो नहीं है, लेकिन स्टिल लैग है थोड़ा बहुत इनिशियल लैग, लेकिन देखते हैं आगे आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाला लैग थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी. सो फाइनली यहाँ पर देखते हैं कि सैमसंग के अंदर परफॉर्मेंस कैसी है. सैमसंग के अंदर भी यहाँ पर आप वाजे फ़र्क देख सकते हैं कि सैमसंग के अंदर इनिशियली पैराशूट से ही जब कैरेक्टर लैंड हो रहा है तभी से लैग काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है और ऑनेस्टली इसके साथ प्लेबल एक्सपीरियंस तो मैं नहीं कह सकता. अलबत्ता अभी ग्राफिक्स हालांकि आप देख सकते हैं सैमसंग पे इनिशियली स्मूथ पर लॉन्च हुए थे, इसको मैं बैलेंस पर शिफ्ट करता हूँ तो बैलेंस पर ये सपोर्ट कर रही है, HD पर ऑब्वियसली ये सपोर्ट नहीं करेगी फिलहाल. सो यहाँ पर सैमसंग के अंदर गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैगी गेम प्ले है. आई डोंट थिंक इट्स इवन प्लेएबल, तो मैं इसको वापस गेम प्ले को ग्राफिक्स में बैलेंस से स्मूथ पर शिफ्ट कर देता हूँ. सो यहाँ पर ग्राफिक्स को स्मूथ पर मैंने शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर स्टिल काफ़ी ज़्यादा लैग है एंड आई विल से इट्स नॉट अ प्लेएबल एक्सपीरियंस. तो पबजी के लिए आई डोंट थिंक मैं ये रिकमेंड करूँगा ये फ़ोन आपको, क्योंकि पबजी पर इस ग्राफिक्स के साथ और इस लैग के साथ आप लोग आई डोंट थिंक सो खेल सकते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स के अंदर आपको बहुत कम लैग हो डिवाइसेस में, तभी आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस स्मूथ होता है, बट इतने ज़्यादा लैग के साथ आई डोंट थिंक इवन यू कैन प्ले. सो दिस इज सैमसंग गैलेक्सी A02, ग्राफिक सेटिंग्स स्मूथ, सबसे लोएस्ट ग्राफिक सेटिंग्स हैं, स्टिल यू कैन सी द लैग. दिस इज स्पार्क 6 गो एडिशन एंड फाइनली
टेक्नो स्पार्क 6 जिसकी परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली दोनों फोन से काफ़ी हद तक ज़्यादा बेहतर है। एंड यू कैन इवन सी कि ग्राफिक सेटिंग्स मैंने यहाँ पर HD पर की हुई हैं, लेकिन स्टिल द गेम प्ले इज़ वेरी स्मूथ। सो यस, यहाँ पर गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना एंड कंक्लूजन यही दूंगा कि गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्पार्क 6 गो एडिशन भी एंड रेगुलर स्पार्क 6 भी आपको पबजी के अंदर प्लेएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगी विदाउट एनी मच लैग, लेकिन सैमसंग A02 के अंदर आपका प्लेएबल एक्सपीरियंस भी नहीं आपको मिल रहा, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस डिवाइस फॉर गेमिंग। एंड यस, बैटरीज आपको तीनों फोन्स के अंदर बिल्कुल बराबर मिल रही है। 5000 mAh की बैटरीज हैं, तीनों फोन्स की बैटरीज काफ़ी बड़ी बैटरीज हैं जो कि आपको अच्छा बैकअप टाइम तो ज़रूर देंगी, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर बैटरी के एस्पेक्ट से भी है कि आपको टेक्नो स्पार्क 6 जो कि रेगुलर एडिशन है इसके अंदर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, विच मीन्स कि प्रॉबली इसका चार्जिंग टाइम कंपेरेटिवली लेस होगा सैमसंग से और टेक्नो स्पार्क 6 को एडिशन से। So guys, this is the walking stability from all of these phones. घुमाती रहो। सो गाइस, दीज आर द फ्रंट कैमराज ऑफ ऑल ऑफ दीज फोन्स, और यहाँ पर तीनों फोन्स के थ्रू जो फ्रंट कैमरा भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट कर रहा है वो 1080p 30fps पर करता है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि इन तीनों फ़ोन्स के अंदर अप टू 720p तक की रिकॉर्डिंग हो, लेकिन यहाँ पर 1080p तक की रिकॉर्डिंग भी तीनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर वैसे तीनों फ़ोन्स को एक साथ पकड़ना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट जॉब, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन यहाँ पर जर्क्स वर्क्स आपको काफ़ी फील होंगे क्योंकि तीनों फ़ोन्स को मैंने एक साथ होल्ड किया हुआ है। तो गाइस, दिस वॉज द डिटेल कंपेरिजन बिटवीन टेक्नो स्पार्क 6 गो एडिशन, टेक्नो स्पार्क 6 एंड सैमसंग A02। तीनों फोन्स के आपने स्पीड टेस्ट भी देख लिया, बूट टेस्ट भी, कैमरा एस्पेक्ट से भी देख लिया और गेमिंग भी देख ली। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता नज़र आया। वेल, मेरे नज़दीक तो अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ तो आई थिंक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर टेक्नो के दोनों फोन्स ने कंपेरेटिवली सैमसंग के A02 से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया। येस, आई डू एग्री कि सैमसंग की यहाँ पर ब्रांड नेम की वजह से प्राइस क्योंकि ज़्यादा रखी गई है तो इसी वजह से प्रॉबली लोग सैमसंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन वेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस एंड स्पेशली जो आपका मेन काम है फ़ोन से आपने परफॉर्मेंस लेनी ऑब्वियसली, तो अगर आई एम लुकिंग फॉर अ फ़ोन अंडर दिस बजट और अगर मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर मुझे अच्छी गेमिंग चाहिए, अगर मुझे अच्छा चिपसेट चाहिए, तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर आइदर ऑफ दीज फोन्स। हाँ, अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप अपर मिड रेंज फोन्स या मिड रेंज फोन्स के अंदर देखते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू सैमसंग का फोन क्योंकि वहाँ पर सैमसंग के फोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर होगी। लेकिन यहाँ पर एंट्री लेवल के एस्पेक्ट से सैमसंग बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर अच्छा है, लेकिन वेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो अनफॉर्चुनेटली सैमसंग इन दोनों फोन्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाया। तो ऑल दो तीनों फोन्स ही अच्छी ऑप्शंस हैं इस बजट के अंदर लेकिन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर टेक्नो स्पार्क 6
क्योंकि इसने प्राइस एस्पेक्ट से तकरीबन हर चीज में अच्छा कम्पीट किया, गेमिंग, कैमरा, परफॉर्मेंस एंड स्पेशली द गेमिंग परफॉर्मेंस। लेकिन व्हाट आर योर थॉट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन तीनों फोन्स में से किस फोन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी। सो फॉर नाउ दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।